ताजमहल से चंद कदमों की दूरी पर गलियों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान देने का नाम नहीं ले रहे, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुरानी मंडी से ताजगंज की ओर जाने वाले रास्तों पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन ना तो नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं और ना ही सफाई कर्मी, जिसके चलते लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि लगभग 8 दिनों से सफाई कर्मियों द्वारा नाले से गंदगी निकालकर सड़क पर डाल दी गई है, जिसके चलते निकलना भी दुश्वार हो रहा है। ऐसे में बरसात के चलते बदबू और गंदगी से लोग परेशान हैं। नालियों की समस्या यही रहती है यहाँ पे कि अभी तो बहुत ज़्यादा ही भरे रहते हैं ये, और कोई सफाई फाई की कर्मी कोई नहीं आता, और छः छः महीने 8-8 महीने हो जाते हैं कोई सफाई के लिए आता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ से तो यहाँ से शुरू होती है और आगे तक तो बहुत गंदगी रहती है, विशेष गंदगी रहती है। बरसात में तो यहाँ इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आदमी निकलना मुश्किल हो जाते हैं, और आदमी जो नॉर्मल समझता है वो गिर जाता है इनमें। नाले ओपन तो हैं, नाले तो ओपन ही हैं, बाहर के तो गिरते हैं, और तो और जहाँ लोग वक्त तेजी उजी निकालते हैं वो भी लेके गिर जाते हैं, उन्हें आइडिया नहीं रहता है तो गिर जाते हैं। जे पुरानी मंडी चौराहा श्यामलाल मार्ग, अरे निकाल के रख जाते हैं, उठाते हैं नहीं, 10 दिन हो गए इसको निकाल के रख गए हैं और उठाया नहीं अभी तक भी। बीमारी बहुत गंदगी जा रही है, घर के अंदर भी जा रही है, बच्चे भी परेशान हैं, बदबू भी काफ़ी है, उठाते ही नहीं, निकाल के रख जाते, उठाने का कोई वही नहीं है, बहुत कूड़ा पड़ा रहता है यहाँ पे, और रोड पे और कूड़े वाले और डाल जाते हैं, यहीं कूड़ादान समझ के वहीं जो कूड़ेदान है डाल जाते हैं इसको। नालों की सफाई होने से फ़ायदा क्या है जब कूड़ा ही नहीं उठेगा तो, समझ नाले में से निकाल के यहाँ रख के यहाँ से नाले में चला जाएगा बारिश में। शिकायत का ये लोग आते हैं निकालने वाले, उन्हीं से शिकायत करी जाती है, भाई इसको निकाल तो रहे हो, उठा भी दो इसको, समझ रहे हो, तो उठाते ही नहीं है लोग। इस बात को लेकर कई बार नगर निगम के कर्मचारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस बात को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए आशीष पाराशर की रिपोर्ट।